परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियो तथा परमहंसानां परमहंसानां मुनिनां अमलात्मनां मुनिनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कथं पश्येम हि स्त्रियः तथा परम हमसा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कुंती महारानी, तो अगर आप साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे? तो बोले आपकी कृपा से ही समझ पाएंगे। आप वास्तव में अवतार लेते हो न केवल आपकी लीलाओं का दर्शन देने के लिए, पर आपकी लीलाओं को समझने का जो दर्शन है। दर्शन शब्द के दो अर्थ होते, दर्शन का एक अर्थ है आँखों से देखना, दर्शन का दूसरा अर्थ है तत्वज्ञान। तो जो भारतीय संस्कृति में देखते हैं तुम्हें छह दर्शन हुआ करते, षट दर्शन कहते हैं उनको, तत्वज्ञान। तो हम वास्तव में सिर्फ आँखों से नहीं देखते हैं, हम हमारे ज्ञान से देखते हैं। साधारणतः अभी अगर हम कोई एक्सरे करते हैं और एक्सरे लेके आते हैं और बोलते हैं आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो अभी हम वो एक्सरे को देखो, डॉक्टर एक्सरे को देखेंगे, एक ही चीज़ को देख रहे पर अलग देख रहे, क्यों? वो ज्ञान का फर्क है। तो वो जो ज्ञान है जिससे कि हम भगवान को समझ सकते हैं, भक्ति योग विधानार्थम, तो वो भक्ति योग का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है। विधानार्थम, वह सिखाने के लिए आप अवतरित होते हैं, तो भक्ति योग विधानार्थम। पर वो आप किसको सिखाते हैं? वह साधारणतः लोग सोचते हैं कि जो भक्ति है वो कम बुद्धि वाले लोगों के लिए, हम ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं। पर भगवान के यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि नहीं, वास्तव में भगवान जो ज्ञान देने के लिए आते हैं वह कौन समझता है? परमहंसानां था परमहं, जो वो परमहंस है। और परमहंस के बारे में और वर्णन करती है, वो क्या है परमहंस की विशेषता? मुनिनाम अमलात्मनाम, अमलात्मनाम, जो अमल है, इनके आत्मा, जो मल क्या होता है, जो भौतिक वासनाओं का मल होता है, उससे मुक्त है। तो अभी परमहंस, परमहंस शब्द का क्या अर्थ है, क्या महत्व है? जो हंस होता है उसको दूध और पानी मिला के देते हैं तो वह दूध ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह से जो हंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो परमहंस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वह इस भौतिक जगत को त्यागते नहीं हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं वह इस भौतिक जगत को त्याग देते हैं, वो सोचते हैं कि हमें ये भौतिक जगत बंधन का कारण है, हम इस छोड़ देंगे और जंगल में चले जाएंगे। तो यह जो भाव है ये भक्तों का नहीं होता है। ऐसे जो भाव के लोग होते हैं, मौनम चरन्ति विजनेन परार्थ निष्ठा, जो प्रहलाद महाराज है अपनी प्रार्थना सातवें स्कंद के नौवें अध्याय में भागवत में बताते कि ऐसे लोग मौनम चरन्ति, कुछ बोलना नहीं है, बोलेंगे तो ऐसा कुछ बोलेंगे जिससे बंधन में फंस जाएंगे। विजने, वो जंगल में जाके रहेंगे, क्योंकि भौतिकवादी लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी इच्छा, उनके संघ के कारण उसकी इच्छा आ जाएगी। मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा, वो दूसरों के बारे में विचार नहीं करते हैं। तो भक्त ऐसे नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? जो वो इस भौतिक जगत में रहते हैं पर भौतिक जगत में वो हंस के समान रहते हैं। हंस मतलब क्या? जो भौतिक चीज़ है उसमें भी हम भौतिक चीज़ों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकते हैं। हम भौतिक चीज़ों का उपयोग करके खुद का शुद्धिकरण करके भगवान के पास जा सकते हैं। तो भौतिक चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको भोग वृत्ति जो है वो त्यागनी है। जो इस जगत के प्रति तीन प्रकार की वृत्तियाँ हो सकती है, सम पीपल रोमांटिसाइज द वर्ल्ड, सम पीपल डिमोनाइज द वर्ल्ड, बट डिवोटीज यूटिलाइज द वर्ल्ड। रोमांटिसाइज मतलब कि इस भौतिक जगत में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम यहीं पे भोग करेंगे, यहीं पे आनंद प्राप्त करेंगे, और कुछ नहीं चाहिए हमको, यहीं पे भोग करना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। ये जो भाव है यही जगत है, इसमें ही सब कुछ है, यहीं पे हमें आनंद प्राप्त करना है, यह जो है रोमांटिसाइजिंग है। इस भौतिक जगत में हमको सुख मिल जाएगा। और दूसरा जो भाव क्या है? डिमोनाइज। डिमोनाइज मतलब क्या? भौतिक जगत बहुत खतरनाक है, इसको हमें छोड़ जाना है, इसका फंसना नहीं है इसमें, हमको बाहर निकलना है, दौड़ जाना है यहाँ से। तो जो कर्मी लोग होते हैं वो इस भौतिक जगत को सोचते हैं कि यहीं पे आनंद है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये अगर हमको त्याग के जाना है, क्यों त्यागना है? इसे दूर भागना है, क्योंकि ये बंधन का कारण है। पर जो भक्त क्या करते हैं? डिवोटीज यूटिलाइज द वर्ल्ड,
वो इस भौतिक जगत को निरीक्षण करते हैं और सोचते हैं कि इस जगत में मैं भगवान की सेवा किस तरह से कर सकता हूँ। अगर मैं भगवान की सेवा इस जगत में कर सकता हूँ तो जगत त्यागने की जरूरत नहीं है। और जो पूरी वर्णाश्रम की पद्धति है वह इसलिए है, उसमें अलग अलग आश्रम होते हैं और सब आश्रमों का उद्देश्य यही है कि हम आश्रय प्राप्त कर सकें। तो ब्रह्मचारी आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, सबका उद्देश्य है कि हम भगवान का आश्रय किस तरह से ग्रहण कर सकें। तो जो परमहंस होते हैं, अभी हम परमहंस नहीं हैं पर हम परमहंसों के पदचिन्हों में चल सकते हैं, और हमें भौतिक चीज़ों का त्याग नहीं करना है पर भौतिक चीज़ों को उस तरह से स्वीकार करना है जिस तरह से जो हंस होता है वह दूध को स्वीकार करता है, पानी को त्याग देता है। तो भौतिक चीज़ों में हम देखते हैं स्याद अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धि अन्यत्रे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। स्याद अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, प्रमत्त न हो के विचार करना व्यवसाय बुद्धि कि इसको मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या, इस परिस्थिति में भगवान की सेवा किस तरह से कर सकता हूँ, वो भाव रखेंगे तो ये भौतिक जगत बंधन का कारण नहीं बनेगा। सिद्धि अन्यत्र नयते तत्र, अगर सिद्धि नहीं है तो उसमें प्रयास नहीं करना। तो ऐसे परमहंस की प्रवृत्ति जो लोग हैं, मुनि नाम अमलात्म नाम, ऐसे लोगों को भगवान भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग सिखाने के लिए आते हैं। तो अभी भक्ति योग की विशेषता क्या है कि यह सबसे उच्च स्तर के लोगों के लिए है, पर साथ साथ जो सबसे नीचे के स्तर के लोग हैं उनको भी वह उद्धार कर सकता है। तो कुंती महारानी अपनी नम्रता यहाँ पे व्यक्त करती है और वो कहती है कथम पश्येम ही स्त्रियः, स्त्री कैसे समझ सकती है इनको। तो वास्तव में कभी कभी लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियाँ कम बुद्धि वाली हैं, लेस इंटेलिजेंट। तो ये पढ़ के लोगों को गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई। तो हमें वास्तव में ये संदर्भ में समझना चाहिए इसको। अगर जो कथा कुंती महारानी वो भाव कह रही है कि स्त्रियां हैं हम कम, स्त्रियां कम बुद्धि वाली हैं, हम कैसे समझ सकते हैं इसको, पर इसका भाव क्या है। भाव ये है कि अगर हमें देखना है कि अगर ये जो वाक्य विधान है कि स्त्रियां कम बुद्धि वाली है, वो किस स्तर पे है, वो भौतिक चीज स्तर पे बोला जा रहा है या आध्यात्मिक स्तर पे बोला जा रहा है। आध्यात्मिक स्तर पे तो हो नहीं सकता क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे सब आत्मा जो है वह एक समान है, आत्मा के कोई लिंग नहीं होता है। इस भौतिक जगत में कोई स्त्री हो सकती है, वो आध्यात्मिक जगत में गोपा हो सकता है। इस भौतिक जगत में कोई पुरुष हो सकता है, वो आध्यात्मिक जगत में गोपी हो सकती है। हमारे यहाँ के लिंग जो है वह आत्मा से कुछ संबंध नहीं है उसका। तो ये आध्यात्मिक स्तर पर ये वाक्य नहीं है, तो क्या ये भौतिक स्तर पर वाक्य है? कोई कहेगा भौतिक स्तर पर तो नहीं है, क्योंकि अगर आप पाठशालाओं में जाओगे तो कई बार जो लड़कियाँ होती हैं उनको लड़कों से अधिक मार्क्स मिलते हैं, वह अनेक क्षेत्रों में और अच्छा परफॉर्म अच्छा तरह से वो कार्य करती है। तो ये भौतिक स्तर पे अगर कोई कहेगा तो हमें ये जो भेदभाव की बात नहीं है, अगर हम देखेंगे अगर स्त्रियाँ कम बुद्धि वाली है तो जो बुद्धि की देवता है वह देवता नहीं है, वह देवी है। कौन है? सरस्वती। तो इसीलिए सरस्वती देवी, अगर कोई कहेगा स्त्रियाँ कम बुद्धि वाली है तो सरस्वती देवी को कम बुद्धि वाली कहना पड़ेगा, और उनको कम बुद्धि वाली कहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमें बुद्धि कहाँ से आएगी, वही बुद्धि देने वाली है। तो फिर वास्तव में जो भाव है वह क्या है, ये जो कम बुद्धि का है वह तर्क किस लिए बताया गया है कि ये भौतिक स्तर पर नहीं है या आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, ये भौतिक और आध्यात्मिक के संबंध के बारे में बताया जा रहा है कि जो आत्मा जो है वह भौतिक स्तर पे बंद जाता है, शारीरिक संकल्पना में जा जाता है। तो शारीरिक संकल्पना में आना यह सब जीवात्माओं के बद्धावस्था की दशा है, पर जो शारीरिक संकल्पना अभी कोई भी शरीर में हो आत्मा को शारीरिक संकल्पना आ जाती है, वह मानव शरीर में हो, कुत्ते के शरीर में हो, बिल्ली के शरीर में, सब में आती है। पर जब मानव शरीर में होता है तो पुरुष और स्त्री दोनों को शारीरिक संकल्पना होती है, पर स्त्री के शरीर में शारीरिक संकल्पना होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि फॉर अ वुमेन अ मेजर पार्ट ऑफ हर सेल्फ वर्थ कम्स फ्रॉम हर बॉडी। तो शारीरिक संकल्पना जो होती है वह स्त्री के शरीर में अधिक होती है, उसके कारण भावुकता थोड़ी ज़्यादा होती है,
तो इसीलिए यह जो वाक्य है उसको संदर्भ में समझना है। संदर्भ में नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा, हम उसको गलत समझ बैठेंगे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं और अपने प्रवचनों में भी बताते हैं कि यह जो है जो कम बुद्धि का भाव है वो किस तरह से है कि जो जिस तरह से पुरुष तर्क वितर्क कर सकते हैं वह स्त्रियां भी कर सकती है, पर उनको उसमें उतनी रुचि नहीं होती है। पर जो भावुकता है तो थोड़ी इमोशनैलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और यह कोई प्राचीन धार्मिक रूढ़ी के बारे में या अंधश्रद्धा के बारे में नहीं है। आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों की मानसिकता अलग होती है। इसीलिए आजकल के साइकोलॉजिस्ट है वो किताब लिखते हैं कैसे मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस, इस प्रकार किताब लिखते हैं और वो किताब भी लोकप्रिय बन जाता है, लोग पढ़ते हैं। तो यह जो है ये विभिन्नता है और ये विभिन्नता को समझना है। जो भावुकता है वो भावुकता भक्ति के लिए एक तरह से अनुकूल है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं कि जो भावुकता है अगर वो भगवान के प्रति डाल दी जाए, भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए उससे, तो वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है और भगवान के पास जा सकता है। तो कुंती महारानी यहाँ पे नम्रता एक तरह से व्यक्त कर रही है, कथम पश्येम ही स्त्रियाँ कैसे समझ सकती है। पर साथ साथ वो बता रही है कि जब इतनी सुंदर प्रार्थनाएं कह रही है उसका मतलब क्या है, वह समझ रही है। अगर वो समझ नहीं रही होगी तो कैसे कहे, कैसे वो इतनी सुंदर प्रार्थनाएं बता सकती है। तो जो न समझना ये दो प्रकार का होता है। कैसे दो प्रकार का होता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने कभी सागर देखा ही नहीं है और वो कहता है कि सागर कितना विशाल है मुझे पता नहीं है, तो वो एक प्रकार का अज्ञान है। और कोई व्यक्ति सागर में डूबा है, सागर में उसने छलांग लगाई है और सागर में बहुत देर तक वो तैरा है, सागर का कितना विशाल है उसको जांचने का प्रयास किया है और फिर बहुत देर तक सागर में तैर के वापस जब बाहर आता है और तब कहता है कि सागर कितना विशाल है मुझे पता नहीं है। अभी दोनों वही वाक्य कह रहे हैं पर क्या है, दोनों का भाव जो तर जो अर्थ है तथ्य है जो अलग है। एक व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है और दूसरा व्यक्ति को वो अंदाजा है, वो सागर का पानी है, उसमें तैरा हुआ है, सागर में वो गया है और फिर वो कह रहा है कितना बड़ा है सागर मुझे पता नहीं है। ठीक उसी तरह से नास्तिक लोग कहे गए या भौतिक लोग, हम भगवान को नहीं जानते, हम भगवान को नहीं समझते, और भक्त कहे गए हम भगवान को नहीं समझते। दोनों वाक्य एक है पर अर्थ बहुत अलग है। तो कुंती महारानी जब कह रही है कथम पश्येम हि स्त्रियः, कैसे स्त्रियां इसको समझ सकती है, तो यहाँ पे जो भाव है वह बहुत अलग है। यहाँ पे भाव क्या है कि वास्तव में कुंती महारानी इसको समझ गई है। तो हम एक और श्लोक लेंगे फिर उसके बाद में श्लोचन को अंत करेंगे। इसको एक और बार दोहराते, तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः।